अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल सब अच्छे ही होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कि स्पाइडर प्लांट के जो बेबी को ट्रांसफ़र कैसे करें। अब देखिए, इसका प्लांट जो होता है इसको ट्रांसफ़र कैसे करें, एंड इसका जो बेबीज होता है इसको किस तरह से ट्रांसफ़र करें और कब ट्रांसफ़र करें। अब देखिएगा, आप यहाँ से ये टहनी गई हुई है और इसमें एक बेबी लगा हुआ है, इसको किस तरह से कौन से प्लांट में लगाएँ। अब देख सकते हैं मैंने किस तरह से इसको लगाऊँ। आपको मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगी भी। देखिएगा, मैंने इसको एक काम किया था इसके साथ, क्योंकि इसकी जो ब्रांचेज होती हैं जल्दी से नहीं बन पाती, इसकी जो जड़ होती है जल्दी से नहीं ग्रो हो पाती, तो इसलिए मैंने इसको पानी में रख दिया था। तो इसलिए देखिए, माशाल्लाह से 4 दिन में कितनी सारी ग्रोथ हो चुकी है इसकी। जब भी मैंने इसको पानी में रखा था तो जैसे कि छोटी वाली ब्रांचेज दिख रही है ग्रीन ग्रीन, बस इतनी ही थी। लेकिन जब मैंने इसको पानी में डाला और इसमें लगे रहने दिया तो माशाल्लाह इसकी जड़ बहुत अच्छी हो गई। अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी मिट्टी में, क्योंकि अब ये मैं पानी में नहीं लगाना चाहती। जैसे कि आप लगाना चाहोगे तो आप लगा रहने दें, लेकिन जब हम यहाँ से इसको काटेंगे तो इसका जो ज़्यादा भार होता है इस प्लांट पर, क्योंकि इसके लिए भी इसको चाहिए होता है कुछ खाने के लिए, और इसमें से ज्वाइन होगा तो इसकी जान थोड़ी सी निकली रहेगी, इसलिए हम इसको कट कर देंगे ताकि इस पर कुछ वज़न ना रहे। इसलिए हम इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से, क्योंकि एक बेबी जिसका यहाँ से बनेगा और फिर से तैयार हो जाएगा। और जब थोड़ा जब यहाँ से कट जाएगा तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़ोर पड़ता है, तो इसलिए यहाँ से ग्रोथ हो रही है। इसी पे मान बढ़ेगा और इसको बाद में मिलेगा। यहाँ से हम लोग नहीं काटेंगे, सिर्फ यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से कट करने के बाद इसको हम लगा लेंगे, जो कुछ दिन बाद यहाँ से ग्रोथ होने शुरू हो जाएगी। फिर इसको हम इसी तरह से, जैसे इसको पानी में डाले हुए हैं लगे लगे, इसी तरह से इसको भी पानी में डाल देंगे। तब तक इसकी इतनी बड़ी ग्रोथ, ये जड़ नहीं बन जाए, तब तक हम इसको पानी में ही रहने देंगे। और जब ये पानी में इतनी बड़ी हो जाए फिर हम इसको यहाँ से कट करके फिर से ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इसी तरह से ये प्लांट बढ़ते हैं। मैं आपको इसको कट करना दिखाती हूँ। मैं इसको काट के, तो देखिएगा, मैं इसको अब काट रही हूँ। इस वक्त मैं इसको काट रही हूँ, इस काट के देखिएगा, मैंने इसको काट लिया है। इसकी जड़ बहुत बड़ी हो रही है माशाल्लाह से। इसके ऊपर ये छोड़ने के जो पत्ते सूख के गिरते हैं वो गिरे हुए थे, देखिएगा, पीले पत्ते ये छोड़ने के ही झड़ झड़ के गिर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मिट्टी में लगा के दिखाऊंगी इस प्लांट को, क्योंकि मिट्टी में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा से ग्रो हो जाएगा ये। मैं अब आपको मिट्टी में लगा के दिखा देती हूँ। यहाँ से हम होल बनाएंगे, एक होल इतना गहरा बनाएंगे जहाँ तक इसकी जो ब्रांचेज, इसकी जो जड़ है वो अंदर तक सही से आ जाए। उसको कोई ऐसी जगह ना लगे जो टाइट हो, मिट्टी टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी पानी से आई है और जल्दी से टूट जाएगी, और जल्दी टूटने से फिर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चलेगी। इसलिए हम इसे बहुत ही गहरा होल बनाएंगे, जिससे कि इसकी जो जड़ है, देखिए फ्रेंड, काफ़ी गहरा मैंने इसको बना दिया है। अब मैं इसे यहाँ से इस तरह से लगा दूँगी, सिर्फ ये इस तरह से हम लगाएंगे और मिट्टी को धीरे धीरे से इस तक पहुंचाएंगे।